भगवान शिव का यतिनाथ एवं हंस नामक अवतार। नंदीश्वर कहते हैं, मुने अब मैं परमात्मा शिव के यतिनाथ नामक अवतार का वर्णन करता हूँ। मुनीश्वर, अर्बुदाचल नामक पर्वत के समीप एक भील रहता था जिसका नाम था आहुक। उसकी पत्नी को लोग आहुका कहते थे। वह उत्तम व्रत का पालन करने वाली थी। वे दोनों पति पत्नी महान शिव भक्त थे और शिव की आराधना पूजा में लगे रहते थे। एक दिन वह शिव भक्त भी अपनी पत्नी के लिए आहार की खोज करने के लिए निमित्त जंगल में दूर चला गया। इसी समय संध्या काल में भील की परीक्षा लेने के लिए भगवान शंकर सन्यासी का रूप धारण करके घर आए। इतने में ही उस घर का मालिक भील भी चला आया और उसने बड़े प्रेम से उन यतिराज का पूजन किया। उसके मनोभाव की परीक्षा के लिए उन यतीश्वर ने दीन वाणी में कहा, भील आज रात में यहाँ रहने के लिए मुझे स्थान दे दो, सवेरा होते ही चला जाऊंगा, तुम्हारा सदा कल्याण हो। भील बोला, स्वामी जी आप ठीक कहते हैं, तथापि मेरी बात सुनिए, मेरे घर में स्थान तो बहुत थोड़ा है, फिर उसमें आपका रहने कैसे हो सकता है। भील की यह बात सुनकर स्वामी जी वहाँ से चले जाने को उद्यत हो गए। तब भीलनी ने कहा, प्राणनाथ आप स्वामी जी को स्थान दे दीजिए, घर आए हुए अतिथि को निराश ना लौटाइए, अन्यथा हमारे गृहस्थ धर्म के पालन में बाधा पहुँचेगी। आप स्वामी जी के साथ सुखपूर्वक घर के भीतर रहिए और मैं बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र लेकर बाहर खड़ी रहूँगी। पत्नी की यह बात सुनकर भील ने सोचा, स्त्री को घर से बाहर निकालने में भीतर कैसे रह सकता हूँ, सन्यासी जी का अन्यत्र जाना ही मेरे लिए अधर्म का कारक ही होगा। ये दोनों ही कार्य एक गृहस्थ के लिए सर्वथा अनुचित है, अतः मुझे ही घर के बाहर रहना चाहिए। जो होनहार होगी वह तो होकर ही रहेगी। ऐसा सोच आग्रह करके उसने स्त्री को सन्यासी जी को तो सा आनंद घर के भीतर रख दिया और स्वयं वह भील अपनी आयुध पास रखकर घर के बाहर खड़ा रहा। रात में जंगली क्रूर एवं हिंसक पशु उसे पीड़ा देने लगे। उसने भी यथाशक्ति उनसे बचने के लिए महान यत्न किया। इस तरह यत्न करता हुआ वह भील बलवान होकर भी प्रारब्ध प्रेरित हिंसक पशुओं द्वारा बलपूर्वक खा लिया गया। प्रातःकाल उठकर जब यति ने देखा कि हिंसक पशुओं ने वनवासी भील को खा डाला है, तब उसे उन्हें बड़ा दुख हुआ। सन्यासी को दुखी देख भीलनी दुख से व्याकुल होने पर धैर्य पूर्वक उस दुख को दबाकर यूं बोली, स्वामी जी आप दुखी किस लिए हो रहे हो, इन भीलराज का तो इस समय कल्याण ही हुआ है, ये धन्य और कृतार्थ हो गए जो इन्हें ऐसी मृत्यु प्राप्त हुई। मैं चिता की आग में जलकर इनका अनुसरण करूंगी, आप प्रसन्नता पूर्वक मेरे लिए एक चिता तैयार कर दें ताकि स्वामी का अनुसरण करना स्त्रियों के लिए सनातन धर्म है। उसकी बात सुनकर सन्यासी जी ने स्वयं चिता तैयार की और भीलनी ने अपने धर्म के अनुसार उसमें प्रवेश किया। इसी समय भगवान शंकर अपने साक्षात स्वरूप में उसके सामने प्रकट हो गए और उसकी प्रशंसा करते हुए बोले, तुम धन्य हो धन्य हो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम इच्छा अनुसार वर मांगो, तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। भगवान शंकर का यह परमा आनंददायक वचन सुनकर भीलनी को बड़ा सुख मिला। वह ऐसे विभोर हो गई कि उसे किसी भी बात की सुध नहीं रही। उसकी इस अवस्था को लक्ष्य करके भगवान शंकर और भी प्रसन्न हुए और ना मांगने पर भी उसे वर देते हुए बोले, मेरा जो यति रूप है यह भावी जन्म में हंस रूप से प्रकट होगा और प्रसन्नतापूर्वक तुम दोनों का परस्पर संयोग कराएगा। यह भील निषेध देश की उत्तम राजधानी में राजा श्री वीर सेन का श्रेष्ठ पुत्र होगा। उस समय नल के नाम से इसकी ख्याति होगी और तुम विदर्भ नगर में भीमराज की पुत्री दमयंती होगी। तुम दोनों मिलकर राजभोग भोगने के पश्चात वह मोक्ष प्राप्त करोगे जो बड़े बड़े योगीश्वरों के लिए भी दुर्लभ होता है। नंदीश्वर कहते हैं, मुने ऐसा कहकर भगवान शिव उस समय लिंग रूप में स्थित हो गए। वह भील अपने धर्म से विचलित नहीं हुआ, अतः उसी के नाम पर उस लिंग को अचलेश संज्ञा दी गई। दूसरे जन्म में वह आहुक नाम भील ने शिद नगर में वीर सेना का पुत्र हो महाराज नल के नाम से विख्यात हुआ और आहुका नाम की भीलनी विदर्भ नगर में राजा भीम की पुत्री दमयंती हुई और वे यतिनाथ शिव वहाँ हंस रूप में प्रकट हुआ।
उन्होंने दमयंती का नल के साथ विवाह कराया। पूर्व जन्म के सत्कार जनित पुण्य से प्रसन्न हो भगवान शिव ने हंस का रूप धारण कर उन दोनों को सुख दिया। हंसा अवतारधारी शिव भांति भांति की बातें करने और संदेश पहुंचाने में कुशल थे। वे नल और दमयंती दोनों के लिए परम आनंददायक हुए। बोलो हर हर महादेव।